अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आपके आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट कह लें, मैथमेटिशियन कह लें, उनका सर नेम था बेसिकली वेन। तो उनके नाम पे ये एक एक डायग्राम है जो कि आपने पढ़नी है। वेन डायग्राम बेसिकली सेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। मेरे ख्याल से जॉन वेन नाम है मैथमेटिशियन का, आपकी किताब में लिखा होगा। तो उन्होंने ये एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन बना के दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने सेट को बजाय जो तीन फॉर्म्स अलग अलग आपने अभी पीछे पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी डिस्क्रिप्टिव, फिर सेट बिल्डर और टेबुलर जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बजाय आप जो अभी सीखने जा रहे हैं डायग्राम, उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका जो यूनिवर्सल सेट है, इन साहब ने कहा कि आप एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें ये जो पूरा बॉक्स बनेगा इसका मतलब ही यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि आपके तमाम सेट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट ही फाइनल आंसर आ रहा होगा, या उसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो यूनिवर्सल सेट को एक और नाम हम देते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। ये मैंने कभी आपको लेक्चर में पढ़ाया होगा, ये टर्मिनोलॉजी यूज की होगी। तो बहरहाल यूनिवर्सल सेट कहें या इसका दूसरा नाम हम सैंपल स्पेस भी यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी आगे अगले सालों में पढ़ेंगे वहां पर इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल यूनिवर्सल सेट बोले, सैंपल स्पेस बोले, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया, इसको आप यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब अगर यूनिवर्सल सेट में से एक सेट आया ए, तो वो सर्कुलर वे में आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास कोई भी सेट होगा ए फॉर एग्जाम्पल, उसको आप नाम दे रहे हैं, तो उस बॉक्स के अंदर, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आप इस तरह एक सर्कल बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट है, और उस यूनिवर्सल सेट का सब सेट ए सेट है। तो आपके जितने भी टेबुलर फॉर्म या कोई भी फॉर्म में आपने सेट को पढ़ा, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। एक और सेट अगर यूनिवर्सल सेट में से निकाल रहे हैं बी सेट, तो उसे भी आप इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपके पास दो सेट आए, इनका मतलब ये है कि आपके पास ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी सारे यूनिवर्सल सेट में, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है, क्योंकि ए और बी अलग अलग है। ये एक टाइप कहलाती है जिसको आपने पढ़ा था, डिसजॉइंट सेट। अगर आपको जरा से भी याद आ रहा हो तो एक टाइप आपने पढ़ी थी जिसको आप कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंटेशन जब आप इस तरह देंगे, इसका मतलब ये है कि आपका ये सेट ए है, ये सेट बी है, और दोनों सेट अलग अलग सर्कल बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। वहीं पे दूसरी आपने कैटेगरी पढ़ी थी जिसको आप कहते थे ओवरलैपिंग सेट। तो आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल सेट ए है और ये आपका सेट बी है, तो ए के कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे तमाम सेट को आपने पढ़ा था ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग में एटलीस्ट आपका एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 या 2, ये लेट सपोज इंटरसेक्शन था ए और बी का, तो लेट सपोज ए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये जो 2 है और 1 है, 3 तो खैर मिटा रहा हूँ, जो 1 है और 2 है ये कॉमन है अगर, तो इसका मतलब आपके पास लेट सपोज 2 के बाद 4, 6। अब ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 4 और 6। अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 5 ये हैं, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 4 और 6 है। अब यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन 1 और 2 ये आ रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इन दोनों सेट के अंदर क्योंकि कॉमन है तो आप एक दफा लिखेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है वो इस सर्कल के बकिया हिस्से में, और बी के रिमेनिंग उसके बकिया हिस्से जो रिमेनिंग है वहां पर चले जाएंगे। ये आगे पास ए और बी रिप्रेजेंट हो रहा है इस टाइप को आपने पढ़ा था ओवरलैपिंग सेट। अगर एक और कंडीशन में यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे पास ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स कोई भी आ जाए, और ए उसके अंदर एक ऐसा सेट है
जो यूनिवर्सल सेट से निकला है, और एक और कंडीशन के उसके अंदर बी एक और ऐसा सेट है जो ए से निकला है। इस तरह का सवाल आपने शायद आखिरी था 17.3 का वो पढ़ा था, जिसके अंदर एक कंडीशन दी थी कि आपने अपनी मर्जी से यूनिवर्सल सेट बनाने, ए और बी बनाने, और कंडीशन ये है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि बाहर जो बड़ा है वो बी सेट है और उस सेट के अंदर ए मौजूद है। तो आपके ए के तमाम एलिमेंट्स बी में भी मौजूद है, और ए और बी दोनों के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है। यूनिवर्सल सेट को हम बाहर कहीं पे भी किसी कोने में लिख देते, बेचारा लावारिस पड़ा होता है, कहीं पे भी इसको डाल दें वो वहां पर एडजस्ट कर लेगा, तो यूनिवर्सल सेट कहीं पे भी आ जाता है। तो ये जो पूरा बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर अगर लेट सपोज मैं आपको एक और सेट देता हूँ यूनिवर्सल सेट, वो 1 से लेके मैं यहाँ पर लेट सपोज 7 दे रहा हूँ, तो ए और बी तो 6 तक खत्म हो गए, जो 7 एलिमेंट बचा वो इन दोनों में नहीं है, वो कहीं ना कहीं इधर बाहर होगा, होगा वो इस स्पेस के अंदर ही, इस सैंपल स्पेस के अंदर ही, इस जगह के अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं आपको अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैट्रिक की, और किसी का अगले साल कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में चले गया लेकिन उसका मैथ का पेपर क्लियर नहीं है, तो उसको मैट्रिक की मैथ अगर दोबारा देनी है ताकि वो फर्स्ट ईयर में जा सके, क्योंकि वो पहले भी मैट्रिक पढ़ चुका है, ऑल्दो आपके साथ के बैच का नहीं है लेकिन पेपर देने के लिए दोबारा क्लास में तो बैठ सकता है, तो मैट्रिक की जो मैथ है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गई, आपने पढ़ना है, आप उसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए। अब एक सेट आपके क्लास में फॉर एग्जाम्पल 2 सेक्शन कर दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, अब 2 सेक्शन में फ्रेश रेगुलर बैचेस हैं, एक दो बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटर अब अलग बैच बनाए, या क्योंकि मैट्रिक का पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में तो आपने उनको एक अलग से कहीं पे भी कोने में डाल दिया कि जब वो पढ़ने का दिल चाहे आ जाए, जब पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा ना पढ़े। तो आपके जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते ए और बी सेट में, एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, वो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट अगर करते हैं तो वो कहीं पे भी आप साइड पे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए, आपके पास 1 से 6 तक सारे सर्कल्स के अंदर ए और बी सेट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट में इजाफी 7 है, फॉर एग्जाम्पल 7 के अलावा 8 ले लें, तो ये इजाफी 7 और 8 आपके बाहर उस बॉक्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ए और बी में नहीं करेंगे। अब ये जितना भी काम आपने पढ़ा यूनिवर्सल सेट में, दोबारा उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ 17.3 के जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था, यूनिवर्सल सेट आपने बनाना था, ए और बी आपने बनाना था, लेट सपोज किसी ने यूनिवर्सल सेट बनाया 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4 एंड 5, अब उसने ए, चले पहले बी बनाते हैं, आपने बी 1, 2, 3, 5 बनाया लेट सपोज, और ए आपने कहा ये 1, 2, 3 होगा। अब ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं बी के अंदर, 1, 2 और 3 बी के अंदर भी मौजूद है, लेकिन बी के अंदर इजाफी 5 भी है। आप इसमें अगर रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपके पास 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स आ गए ए के, बी के अंदर भी यही है, लेकिन 5 क्योंकि सिर्फ बी में है तो वो बाहर वाले सर्कल में होगा, आउटर सर्कल के अंदर, और क्योंकि यूनिवर्सल सेट, चलें अब यूनिवर्सल सेट और इजाफी बना लेते हैं, 6 और 7 भी डाल दें, यूनिवर्सल सेट में 2 इजाफी सेट हैं, 2 इजाफी एलिमेंट्स हैं, तो 6 और 7 वो बाहर बॉक्स में लिखेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है वेन डायग्राम। वेन साहब, जो वेन तो खैर उनका सरनेम था, जॉन साहब ने आपकी ये डायग्राम बना के दी थी, आपको कहा था कि बजाय आप बार बार टेबुलर फॉर्म में इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, एक ये डायग्राम बनाए, उसी के अंदर पता चल जाएगा कि आपके पास यूनिवर्सल सेट से निकले हुए ए और बी अगर हैं या नहीं भी यूनिवर्सल सेट से, बहरहाल एक डायग्राम बना लें, और वहां से आप डायरेक्ट बता देंगे कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। आगे जब एक दो सवाल मैं आपको एक्सरसाइज से करवाऊंगा तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके से डायरेक्ट अपना इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे आपके बेसिक सी डेफिनेशन कह लें या बेसिक सी थ्योरी कह लें वेन डायग्राम की, कि आप इस तरीके से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपसे कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपने वैसे तो 4-5 पढ़े ऑपरेशन, अगर आपसे कहा जाता है ए यूनियन बी फाइंड करना है, चलें लिस्ट डाउन कर लेते हैं, पहला यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तीसरा आपके पास ए माइनस बी फाइंड करें, चौथा आपसे कहा जाए ए डेल्टा बी
और पांचवा आपने पढ़ा ए क्रॉस बी, उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहे, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट छठा भी चले बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। अब ये जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं आपके पास जितने भी सेट ऑपरेशंस, इनको कैसे वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं, कौन सा सेट कैसे आता है उसके ऊपर बात होती है। अब अगर लेट सपोज मेरे पास डिसजॉइंट सेट है, ए और बी टोटल अलग है, तो मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट यानी सैंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ कंडीशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये कंडीशन अब जो हम पढ़ रहे हैं ये डिसजॉइंट सेट की, यानी ए और बी बिल्कुल अलग है, तो आप सिंपल एक बीच में लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, सर्कल बनाने के बजाय आप कहते हैं ये हिस्सा ए का है, ये हिस्सा बी का है, तो ए के तमाम एलिमेंट्स ए के पास ही हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स बी के पास ही हैं, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आता है, जाहिर है ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है, लेट सपोज 1, 3, 5, 7 और ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर के, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर के एलिमेंट्स हैं। अब ऑड नंबर और इवन नंबर आपके पास जितने भी हैं, जाहिर है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आप ऑड और इवन नंबर में चेक करें तो आपके पास कोई चीज कॉमन ना होने की वजह से इनके अंदर इंटरसेक्शन लेने पर नल सेट आएगा, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, तो आपका यूनिवर्सल सेट, लेट्स सपोज हम यहाँ पर कहते हैं यूनिवर्सल सेट आपके पास इंटीजर्स है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मैंने नहीं लिखा, चले पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आपके पास यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट आएगा वो कंप्लीट इंटीजर्स के बराबर आ रहा है। तो जब भी आपके पास ये कंडीशन आती है कि इंटरसेक्शन लें तो आपके पास एक नल सेट आता है, और यूनियन लें तो आपके पास ये प्रॉपर यूनिवर्सल सेट आता है, ये कंडीशन आपने पढ़ी थी, इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेल्स कहते हैं। तो सेल के ये जो आपने पीछे एक्सरसाइज है मुझे याद नहीं, बहरहाल आप देख सकते हैं पढ़ाया है मैंने, तो एक्सरसाइज 17.3 में पढ़ाया था, तो वहां पर आपको चार चीजें पढ़ाई थी, एक आपके पास कहा था कि डिसजॉइंट, दूसरा ओवरलैपिंग, तीसरा आपके पास सेल, चौथा क्या था, चौथा आपके पास एग्जॉस्टिव था। तो ये चार चीजें, ये चार टाइप ऑफ सेट आपने पढ़े थे, तो उसमें से ये सेल की डेफिनेशन है, ये कब होगा जब आपके पास दोनों ए और बी अलग अलग होंगे, लेकिन लाजमी नहीं है ऐसे भी हो, ये तो एक टाइप हमने पढ़ ली। अगर ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है कोई ना कोई, और एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में ज्यादा है, ए और बी आपके पास दो अलग अलग बना दिए, ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट में आपके पास तब भी इंटरसेक्शन नल सेट ही आता है, इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास नल सेट के बराबर आएगा। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग सेट होते, इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता, मैंने एक डायग्राम अब यहाँ पर बनाई है, चले बना देता हूँ, ये आपके पास ए और बी दो सेट हैं, अब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये जो कुछ ना कुछ कॉमन इसमें आ रहा है, लेट सपोज यहाँ पर मैं शेड कर रहा हूँ, आपने पेंसिल की मदद से या ब्लू जो कलर होता है उसकी मदद से अपने पास शेड करना है, ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, शेडेड एरिया जो मैंने बनाया है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, जो दोनों में कॉमन है वो इस तरीके से आप कलर कर देंगे, ब्लू कलर आप पेंसिल कलर जो होते हैं वो लगा देंगे, या सिंपल जो आपकी पेंसिल है जिससे आप लाइंस ड्रॉ करते हैं उसको आप शेड के लिए इस्तेमाल कर लें, तो बहरहाल ये इंटरसेक्शन है। लेकिन अगर मुझे यूनियन मालूम करना हो, तो यूनियन मालूम करने के लिए ये पूरा हिस्सा ए यूनियन बी क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स ए और बी में हैं वो सारे, और जो उनमें कॉमन है यानी ए में भी है बी में भी है, वो एक दफा लिखेंगे और आपके असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखा जाएगा, तो ए यूनियन बी जितना भी अब तक पढ़ लिया आपने वो सारा का सारा यहाँ पर इस तरीके से शेड होगा, तो ये जो शेड अब मैंने किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। एक ही डायग्राम बनाई है मैंने, लेकिन एक ही डायग्राम में दो चीजें आपको बता दी कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर ये जितना भी आपने डिस्कस मैंने अभी करवा दिया कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या होते हैं, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, ए यूनियन बी पूरा आप जो दोनों सर्कल हैं उनको शेड कर देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ जो कॉमन आ रहा है उसको शेड करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी में फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मिटा रहा हूँ, और ये सारी बातें जो डिसजॉइंट है सेल्स हैं
एग्जॉस्टिव मैंने भी डिस्कस नहीं किया है, उसकी जरूरत भी खैर नहीं है। आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां देख लेंगे। और आपको ये ओवरलैपिंग भी बता दिया। अब ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? लेट सपोज मेरे पास सेट ए है, ये फॉर एग्जाम्पल। ए का मतलब ये पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स। लेकिन ए माइनस का मतलब क्या है? पहले तो ए माइनस का हम निकालते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट चले अलग है। ए माइनस का मतलब ये है कि मेरे पास जो कॉमन है दूसरे में, जाहिर है माइनस किसके साथ? बी के साथ होगा। अब बी में मेरे पास लेट सपोज कुछ कॉमन है और ए में वही चीज जाहिर है कॉमन होगी। तो ए और बी में ये हिस्सा कॉमन है, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी जब आप करते थे, मैं अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं, तो ए लेट सपोज मेरे पास, चले ए माइनस बी साथ साथ करते हैं, ए माइनस बी, ए मेरे पास 1 2 3 4 है लेट सपोज, -2 4 6 8। माइनस ऑपरेशन में यानी सिंपल डिफरेंस में क्या होता था, जो कॉमन है वो कट जाता था और जो रिमेनिंग फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं 1 कॉमा 3 वो लिखते थे। अब आपने जो रिमेनिंग बी के सेट के एलिमेंट्स हैं वो तो लिखे ही नहीं, तो जो मेरे पास कॉमन है वो तो कट गया, लेकिन जो बकिया रिमेनिंग है वो हिस्सा शेडेड होगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने इधर जो कॉमन है उसमें शेड नहीं किया। मैंने कहाँ शेड किया है? जो बाहर ए के पास हिस्सा है उसको शेड किया। जो बी के पास हिस्सा चले गया, ए का हिस्सा बी में भी है, ये जो कॉमन है वो हिस्सा ए में भी है बी में भी है, तो बी के एलिमेंट्स तो कैंसिल आउट हो गए जो कॉमन थे, और बकिया जो एलिमेंट्स रिमेनिंग 6 और 8 वो यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो वो तो चाहिए नहीं ए माइनस बी में। तो ए माइनस बी में क्या चाहिए? सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो आप अपने ए माइनस बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सपोज बी माइनस ए होता, तो बी माइनस ए में आप ये जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है इसको यहाँ ड्रॉ करने के बजाय बी पे करते, तो ये जितनी भी लाइंस आपको यहाँ पर मैंने अब ये मिटा रहा हूँ बहरहाल। अब बी माइ ये आपका बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, जो सेट आप माइनस करवा रहे, पहले वाले के एलिमेंट्स रिमेनिंग लिखे जाते हैं और जो कॉमन है वो कट जाता है, तो कॉमन तो आएगा ही नहीं ना ए माइनस बी में ना बी माइनस ए में। जो पहले लिखा है उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पर शेडेड कर देंगे। जरा मैं अपने मार्कर से तो यहाँ शेड नहीं कर सकता, तो मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आपने पेंसिल की मदद से या कलर की मदद से साथ साथ शेड करना है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ए माइनस बी या बी माइनस ए की। अब ए डेल्टा बी अगर चाहिए, मैं इसी के अंदर काम करवा रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि यही आपकी डायग्राम यूज होगी। अगर मुझे ए डेल्टा बी चाहिए, तो ए डेल्टा बी आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए। डेल्टा में क्या करते हैं? लेट सपोज यहाँ पर ए डेल्टा बी है, तो ए डेल्टा बी में जो कॉमन आ गया उसको आपने काट दिया और जो रिमेनिंग है प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 1 3 6 और 8। तो 1 3 6 और 8 में ए भी इंक्लूड हो गया, बी भी इंक्लूड हो गया, और दोनों में जो कॉमन था वो आपने काट के साइड पे रख दिया। तो ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस में आपके पास ए के रिमेनिंग और बी के रिमेनिंग एलिमेंट शेड होंगे। तो ये डिफरेंस था ए डेल्टा बी और ए माइनस बी या बी माइनस ए में। तो ये डिफरेंसेस के दोनों पार्ट्स हो गए। अब आ जाएं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? पहले हम अलग अलग दायरे यहाँ पर सीख रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए, ये यहाँ पे आपने एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया। यूनिवर्सल सेट आपके पास सैंपल स्पेस भी कहते हैं। ये अब एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सिर्फ ए है, अभी सिर्फ एक एलिमेंट एक सेट की बात हो रही। तो ये ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास फॉर्मूला अगर याद हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट आप कहते थे यूनिवर्सल सेट में से ए के तमाम एलिमेंट्स सिंपल डिफरेंस ले लें, माइनस कर लें। तो मेरे पास अगर यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स निकल जाएं, तो जो रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे? जाहिर है ए का मतलब है कि ये जो सर्कल आपने बनाया उसको शेड करना है। ए आपके पास होता तो ये ए शेड हो जाता, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट्स नहीं हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट जिस सेट में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं ए का एलिमेंट, तो अब एक भी ए का आपके पास एलिमेंट नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग जितने भी हैं, यानी कि पूरा बॉक्स आपने शेड करना है, सिवाय सर्कल के। सर्कल आपने छोड़ देना है, क्योंकि सर्कल आपके रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ ए।
एक ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितने भी एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर होंगे वो शेड नहीं होंगे, और जितने भी एलिमेंट्स सर्कल के बाहर हैं यूनिवर्सल सेट के, वो सारे शेडेड हो जाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को माइनस कर दिया, जाहिर है ए को माइनस कर दिया, ये तो है ही नहीं, यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग जितने भी हैं वो आपने शेड कर दिए। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी आपको मैं एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, क्वेश्चंस में यही सारा काम करेंगे, बस वहाँ पे नंबर्स या वेरिएबल्स या अल्फाबेट जो भी है वो इंक्लूड होंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट था, सेम यही चीज बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसी को बी कॉम्प्लीमेंट अगर कह दूं, ए हटा रहा हूँ, ये अगर बी है सेट लेट सपोज, तो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तब बी यही काम होगा। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो आपको उस सेट को माइनस करवाना होता है यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में अगर बी के एलिमेंट्स आप निकाल रहे हैं सारे के सारे, तो रिमेनिंग कैसे रिप्रेजेंट होंगे, बाहर जितने भी एलिमेंट वो रिमेनिंग है। अब इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट सपोज ये इधर मैं मिटा रहा हूँ इसको, पहले अपने पास नोट कर लें जिन्होंने नोट करना है। अब एक एग्जांपल को यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, लेट सपोज यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 या 7 तक कर लें, आपके पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अगर आपसे कहा जा रहा है ए फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू है 2 4 6 लेट सपोज, अब ए कॉम्प्लीमेंट बताएं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तरीकेकार वही है कि आपके पास सबसे पहले एक डायग्राम बनाई जाएगी, इसके अंदर आप सेट ए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 ये एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब क्योंकि ए उस यूनिवर्सल सेट की जगह पे ही आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि कमरे में आपने एक नई टेबल लगानी है, तो कमरे में जगह होगी तो टेबल आएगी ना। टेबल के ऊपर आप टीवी रखते हैं, अपने खिलौने रखते हैं या अपनी किताबें रखते हैं, जो भी रखते हैं, तो टेबल की जगह होगी तो टेबल आएगी, फिर उस पर और सामान आएगा। तो आपके घर के अंदर आपके कमरे में टेबल आ चुकी है, अब उसमें आप मजीद जो सामान डाल रहे हैं वो कमरे का हिस्सा ही है, तो यूनिवर्सल सेट है। तो जो आपने एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 वो यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा है, लेकिन जो उसके अलावा है और सेट ए में नहीं है, अब वो उस बाहर जगह पर लिखेंगे। आपके पास अब 1 2 अंदर आ गया, 3 नहीं है तो 3, 4 भी है, 5 नहीं है, 5 6 मौजूद है, 7 नहीं है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो यूनिवर्सल सेट सारे के सारे एलिमेंट्स इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपने डाल दिए, और इस बॉक्स के अंदर आपने जो ए के एलिमेंट हैं ए सेट के, तो 2 4 6 वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। अब ये आपके पास प्रॉपर वेन डायग्राम तो बन गई, लेकिन आंसर आपका अभी नहीं आया। आंसर के लिए आपसे कहा था ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको अभी मैंने सिखाया कि आपने बाहर का सारा एरिया शेड करना है। क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए का एलिमेंट कोई भी नहीं होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए का एलिमेंट कोई भी नहीं होना चाहिए, तो ए का एलिमेंट अगर कोई भी नहीं होना चाहिए तो ये सर्कल थोड़ी शेड होगा, जो शेड होगा वो बाहर का हिस्सा होगा। तो ये अब क्योंकि मैं तो इसके ऊपर कट ही कर सकता हूँ, लेकिन आपने इसमें पेंसिल या कलर पेंसिल से शेड करना है, और कलर पेंसिल भी ब्लू कलर आपने इस्तेमाल करना है। अगर ब्लैक ही करना हो तो फिर आप अलग से ब्लैक क्यों लेंगे, आप अपनी पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल आपने ब्लू कलर से इसको काम करना है, और जब आप इसमें लिख रहे हैं तो इंक ऐसी होनी चाहिए ब्लू इंक के वो आप कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो छुपे ना, अदरवाइज पेंसिल इस्तेमाल करें, प्रॉपर अंदर एलिमेंट्स नजर आने चाहिए। प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना है, अगर आपने इसको ब्लू पेन से लिखा है डायरेक्ट ब्लू पेन से ही आंसर देना है, तो आपके ब्लू कलर से ये आंसर खराब नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चे बहुत डार्क कलर करते हैं, क्योंकि बचपन में ड्राइंग की क्लास होती है उसमें उनको फेल या डी ग्रेड मिला होता है, तो उसके अंदर उनको कलरिंग करना आती नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं जो अंदर लिखा होगा वो भी छुपा देते हैं। तो अगर आपकी कलरिंग यानी कि आपको शेड करना अच्छे तरीके से नहीं आता, तो फिर आप पेंसिल को हल्के हाथ से शेड करें, और कुछ ऐसी भी पेंसिल्स आती हैं, नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बी साइड पे जाते हैं, जितना बी साइड पे जाएंगे उतनी सॉफ्ट होती जाएगी, तो आप कितना ही रगड़ के आप इस्तेमाल करें पेंसिल को लिखेगी सॉफ्टली। बहरहाल आप पेंसिल से शेड करें या ब्लू कलर पेंसिल, ब्लू कलर इंक जो आपकी होती है, ब्लू कलर पेंसिल इस्तेमाल करें, आपने इसको शेड करके आंसर दे, ये आंसर आया है आपके पास किसका? ए कॉम्प्लीमेंट का। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर टेबुलर फॉर्म में अगर आपसे मांगा जाए, तो आपको सिर्फ ये डायग्राम मिलेगी। अभी आपके मैं ये मिटा भी देता हूँ,
ये आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये डायग्राम सवाल में दी जाएगी और कहा जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बताएं। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको इस डायग्राम में देखना है कि शेडेड एरिया, अव्वल तो शेडेड एरिया होगा भी नहीं, सिर्फ आपको बोला जाए ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट आप लिखेंगे कि आपके वेन डायग्राम के मुताबिक 1, 3, 5, 7 ये क्योंकि ए के अंदर नहीं है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो इस वजह से ये ए कॉम्प्लीमेंट है। आगे चल के एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उसके अंदर आप इस तरीके के सवाल आपको भी सॉल्व करेंगे कि आपको सिर्फ डायग्राम दिए, कोई शेडेड एरिया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम बनी हुई दी है। अब बताना है कि उसमें से आपके सेट क्या आएंगे और सेट आपको टेबुलर फॉर्म में देना। तो ये आपका सिंपल सा मैंने सेट ऑपरेशन जितने भी पढ़ाए हैं प्रोडक्ट के अलावा, क्योंकि प्रोडक्ट को हम ग्राफिकली इसमें रिप्रेजेंट वेन डायग्राम में नहीं करते, प्रोडक्ट कहलाया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो आपने पिछली 9 क्लास के अंदर ग्राफ्स बनाए थे, तो वहां पर हम उस सेट को इस्तेमाल करते हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं होता, वो आपके ग्राफ्स में रिप्रेजेंट होता है। बकिया जितने भी ऑपरेशन थे वो यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आपने वेन डायग्राम बनानी है। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?